ये देख लो भाई, हम पहुंच गए यहाँ पे अफाम बाय पवार। अबे दिखा दिया आप जैसे सब भाइयों ने, तो छुपाने का कोई सेंस नहीं बचा ना भाई। ये तो ट्रेंड है ना, ये ऐसे वाला, ये भाई से ही चालू हुआ था, जो कि हम लोग आज वही फॉलो कर रहे हैं। पर ऊंचे के साथ साथ इतना कंफर्ट और इतनी स्मूथ गाड़ी जो है ना ये, अच्छा चलते हैं। आवाज इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें और इसमें दोनों में। आज गौर फरमाना, तू यही है शायद, कहीं है चाबी ठीक है, पता नहीं क्या है। अपना पेड़ का बा, अपना पेड़ का जूस बा, मौसमी जूस बा, तू बनाई बा? हाँ। किसे देख रही है? हम बनाए हैं। तू बनाई बा? जूस निकाले हैं, निकाल के तुमको दे रहे हैं। तू भोजपुरी नहीं आवत? नहीं नहीं आवत, हम दिल्ली के हैं तो हम हिंदी बोलते हैं। अच्छा, हम ओनली भोजपुरी बोली जावत। बोले नहीं आ रहा है, कांगली खराब पला भाषा। तो तुझे आती है? है? आती है। अच्छा अच्छा, तो बोलती नहीं है। अरे तू बोलती नहीं है? ओके ओके ओके, ये देख लो, मम्मी ने आज यहाँ पे जूस बनाया है, मौसमी जूस। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वो संतरे मौसमी कुछ भी बोलो तुम यार, ये यहाँ पे पड़े हुए तो हमने पेड़ से तोड़े, और ये वो पेड़ है अपने घर के बगल में यार, अपना ही पेड़ है। ठीक है, तो बस फटाफट सा था जूस छोड़ दिया मैंने यार, जूस तो ले लो। ये मैंने आगे पीछे क्यों करवाया भाई? और ये आजकल लॉडी को इतना ज्यादा परेशान करने लग गया ना भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे लॉडी के जो ये डिजाइन हो गए कर्ल से, ये चबा चबा करता है, ये बस परेशान करता रहेगा। अपने कुत्ते को समझा ले, ठीक है, मेरे कुत्ते को परेशान ना करे। क्यों कान कान खाते रहता है? फिर मेरा कुत्ता जब पकड़ लेगा उसे, फिर चलाते रहियो। कान खाकर के सारे कान लाल कर दिए, अभी से ही जायदाद के दो बंटवारे कर दिए मैंने, देख ले। आदमी भी तेरा ये, जायदाद भी तेरा। तो भाई आज हम पापा की गड्डी में इसलिए जा रहे हैं, मैं तो बताया था, जैसे मैंने तो कुछ नहीं बताया अभी ब्लॉग में, तुम लोगों ने कहीं ना कहीं टाइटल थंबनेल लेके थोड़ा अंदाजा लगा लिया होगा। आज यार हम जा रहे हैं अनुपम भाई के पास अपनी वैगनार का रिव्यू देने, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनकी जो स्कॉर्पियो है ना उसका भी रिव्यू लेके आने का प्लान है मेरा मिरिकल चैनल पे। वो तो देखो अपने बीच की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ से यार बड़ी दूर है उनका भाई, जो गाँव है इंद्री है ना, वहाँ जाना है, अराउंड 1.5 घंटा है मेरे द्वारका से, ठीक है। वो तो चलो मैं द्वारका पे रहता हूँ, द्वारका फिर भी गुड़गांव से टच में है, ठीक है, अपन गुड़गांव कहीं ना कहीं मतलब 10-15 मिनट में पहुँच जाते हैं यहाँ से, मतलब 10-15 मिनट लगता है मुझे, है वो 10-15 किलोमीटर ही, ठीक है, लेकिन वो ना यहाँ से भी ठीक है। सोचो जो हार्ड कोर दूर दूर से बंदे आते हैं उन पर भाई का रिव्यू देने, यार मैंने देखा नोएडा, नोएडा के बाहर से यूपी से भी अंदर हार्ड कोर से आते, तो उनको भी थोड़ा लगता होगा। चलो ठीक है, अपने वहाँ से 1.5 घंटा लगेगा, अपन निकल रहे हैं अभी, और अभी यार टाइम भी 2 बज रहे हैं, मैं पहले ही निकल रहा हूँ कि हाँ 1.5 घंटा लगेगा, 3-3:30 तक पहुंच जाए, अपना काम भी हो जाए बढ़िया, और उधर से निकलते हुए नहीं आज अपन अकेले चलेंगे बढ़िया एकदम मस्ती करते हुए, ठीक है। तो यहाँ देख लो भाई लोग अपने को मिले हैं, ठीक है। भाई आप किस काम से आए थे यहाँ पे? सिविल डिफेंस के, उससे आए थे ताऊजी जिला। अच्छा, तो आप लोग सिविल डिफेंस में अपना तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। ओके, तो मैं यार यहाँ मैंने स्टॉप लिया था जरा, क्योंकि मैंने भाई से पूछा यहाँ से सीधी रोड ही है, अपने को जाना है भाई के पास, अनुपम भाई के पास, तो वो ये भाई लोग मिल गए तो अच्छा लगा यार। चलो भाई ठीक है, मेरी गर्ल फॉलो कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, मास्टर बटर कर रहे हो? हाँ मास्टर बटर। चलो फुल गलत, फुल गलत। चलो ओके। तो भाई बस यहाँ से सीधे रोड पे ही है भाई का घर, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो प्रॉपर सोना में है अपन, ठीक है, सोना थोड़ा सा आगे पीछे ही है शायद, मतलब सोना ही पड़ता है पीछे, सोना की मार्केट थी, और तुम वहाँ देखो कितना बड़ा भाई, ओ तेरी सैटेलाइट है, देख रहे हो सैटेलाइट। क्या बोल रहा हूँ मैं ये, अरे क्या होता है वो टावर सा, हाँ वो टावर सा है वहाँ पे, ठीक है, और बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच के भाई भाई का तुम्हें अरुण पर भाई का तुम्हें हम फार्म हाउस दिखाने वाले हैं बढ़िया, ठीक है। प्रॉपर भाई ने फार्म हाउस बिल्ड कर दिया, जब मैं गया था ना पिछली बारी तब उनका फार्म हाउस बन ही रहा था, तब मतलब छिसाई विचाई जो होती है ना अपना वही सब हो रहा था, तब तो नक्शा भी मैंने देखा था कि हाँ कुछ इधर ये होगा इधर वो होगा, और अब तो क्या प्रॉपर बन रखा है एकदम फर्स्ट क्लास चंगा, तो बस यार वो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ मैं। ये देख लो भाई हम पहुंच गए यहाँ पे अफाम बाय पवार एक्स, भाई की इंस्टाग्राम में यार पवार एक्स के लिखा पड़ा है वो, और ये देख लो ये रही भाई की न्यू स्कॉर्पियो एन, ठीक है। तो चलो भाई को फोन करते हैं, गेट खुलवाते हैं, फिर अब हम जा रहे हैं लोकेशन पे, ठीक है। भाई गाड़ी में है, और हमने ऑफ कैमरा तो बात करी यार, अभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया उस वक्त, लेकिन हाँ मेरा प्लान है रिव्यू की बात तो मैं प्रॉपर फार्म हाउस का टूर कराऊंगा भाई, लिटरली मैं अभी देख के आया क्या सही फार्म हाउस बना रखा है भाई, मतलब जो रूम एक मेन रूम था वहाँ पे होता है ना मास्टर रूम,
ओए पूरी लग्जरी वाइब दे रखी है, साथ में काफी यूनिक उन्होंने टच दे रखा है रूम को। तो फार्म हाउस तुम देखना लास्ट में, वीडियो को अंत तक देखो भाई, मास्टर बेडिंग वीडियो एज ऑलवेज लंबी ही मिलेगी, ठीक है? तो मजा आएगा। अभी क्या लोकेशन चल रहे हैं भाई से, जरा तुम उधर बात करवाऊंगा। तो भाई अपने सामने है, ठीक है, कैमरे में थोड़ा शाई हो जाता हूँ यार मैं। हाँ भाई, आजकल तो लेकिन इंद्री चैनल में अपना फुल व्लॉगिंग चल रही है। हाँ। फुल मतलब क्या सोच लिया कि व्लॉगिंग भी साथ साथ? अरे नहीं, जब मूड बनता जब करता हूँ। लेकिन अब कैसे बनोगे, शक्ल दिखा देगा? अबे दिखा दिया आप जैसे सब भाइयों ने, तो अब छुपाने का कोई सेंस नहीं बचा ना भाई। ये तो ट्रेंड है ना, ये ऐसे वाला, ये भाई से ही चालू हुआ था, जो कि हम लोग आज वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? पर भाई ये अपना, जैसे मैंने भाई से पिछली बार ही पूछा था, ये क्या सीन क्या था, पता स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्टिंग नहीं था कि अपना शक्ल ज्यादा दिखाऊंगा, फिर गाड़ियां कि लोग गाड़ियां देखने आते हैं? नहीं, मेरे को अपनी शक्ल ऐसे क्यों ही ऐसे करनी यार, अब उस टाइम जाते थे कहीं तो मेरे को नहीं चाहिए था कि कोई पहचाने या ऐसा कुछ। अच्छा, ऐसे था चुपचाप बस काम पे फोकस करना है। 2021 के मिड तक ना मास्क का सीन खत्म हो गया था। हाँ। तो देख लो, जिसने 2022 तक मास्क पहना है ना, वो आप ही थे। मास्क पहन के वीडियो में आना, भी पहनता हूँ। हाँ? चैनल पे तब भी पहनता हूँ। पर भाई आप मुझे कुछ बोल रहे थे कि आपका आज की वीडियो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ये आप शेयर कर सकते हो? ये भाई लोग बहुत वेगनार करते हैं ना इसको। हाँ। देखो डिफरेंस दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है मेन। मुझे लग रहा है आज की वीडियो ना बड़ी ऐतिहासिक होने वाली है, ठीक है? ऊपर से इन्होंने बताया भी नहीं था कि ऐसा कुछ सील है, मुझे लगा चलो नॉर्मल ओनरशिप टाइप की होगी, ये आज अलग ही आक्रोश में आया भाई। ये वीडियो मुझे लगता है फिर ना या तो महिंद्रा वालों की पिटने वाली है आज, या मारुति की, दोनों की बोल रहे हो? अरे मैं तो बस लोगों को बताऊंगा कि देखो भाई कितना तो डिफरेंस है यार, कैसे वेगनर लाइट कहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, पर आपको अभी देख के मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा? मतलब है यार बिल्कुल ऐसे सेम सी कर रखी है, और इसको अच्छी कर सकते थे, स्कॉर्पियन को जितना आगे से अच्छा डिजाइन दिया, पीछे से तो इतनी गंदी लगती है। मैं बीइंग एन ओनर ये बात बोल रहा हूँ भाई, नहीं लगती पीछे से अच्छी बिल्कुल भी, आज तक भी अच्छी नहीं लगती यार, बताओ। शर्माता नहीं है इंसान कभी भी ना ऐसी बातें बोलने में, सीधा सच्चाई। सेल्टोस है, आगे से पीछे से साइड से भीतर से सब जगह से अच्छी लगती है। आपके मुंह से एक बार सेल्टोस निकल जाता है तो आपकी ऑडियंस पागल हो जाती है कि यार ओनर क्या अरुण भी लाइक किया क्यों नहीं ली, ये देखा होगा आपने, टॉप कमेंट्स होते हैं। ये स्टार्टिंग में यही सवाल होता था कि आपका हर बार किसी भी ओनर से? उस टाइम ट्रेंड में थी भाई ये सेल्टोस ना, तो कोई या भी आपने लाई थी ट्रेंड पे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, मतलब वो नई आई थी उस टाइम पर, BS6 का चलन आया था, तो सबसे पहली गाड़ी सेल्टोस थी जो BS6 में डीजल के साथ आई थी। तो उस टाइम क्या हुआ था, तो हर कोई मतलब सबसे ज्यादा बढ़िया उस टाइम 3-स्टार भी नहीं थी, तो बेस्ट गाड़ी वही मानी जाती थी, तो नॉर्मली कोई भी कुछ और उसके अलावा लेता था तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता था कि जब एक बेटर गाड़ी अवेलेबल है। पर आप देखते नहीं कि किया की आजकल क्या हालत हो रही है, ठुके ऐसी पिचक जाती है पूरी? वो तो आप सोशल मीडिया पे हो, कुछ भी बना सकते हो भाई। अच्छा, ऐसी मैं तो इन चीजों में बिलीव नहीं करता। इतना भी बिल्ड क्वालिटी खराब है नहीं जितना हमको दिखाते हैं लोग। नहीं, अरे वो तो किसी भी चीज को कैसे मॉडिफाई करके आप बना लो, मैं वैगनआर को 5-स्टार रेटिंग दिखा दूं ना, लोग ऐसे पलट जाएंगे टीन के डब्बे से, पता नहीं क्या ही कितनी मजबूत गाड़ी है ये, और सब सोशल मीडिया पे भाई हाइप बनाने वाली। और अब चलो भाई को यहाँ पे थोड़ा कम बुलवाएंगे, ठीक है? अपनी वीडियो भी उनको बहुत लंबा बोलना है, ठीक है? थोड़ा एनर्जी सेव करवाते हैं भाई की, बाद में तुमसे बुलवाएंगे। वाह वाह जी वाह वाह, अब हम स्कॉर्पियन चला रहे हैं, ठीक है? भाई अपनी वैगनआर में है और लोकेशन चेंज कर रहे हैं। भाई ने क्या है एक वीडियो बना ली है जिसमें दोनों कंपैरिजन किया है, कि बहुत लोग बोलते हैं ना यार वैगनआर स्कॉर्पियन को बेसिकली कि बड़ी वैगनआर है, ऐसे ट्रोल करते हैं, हम भी करते हैं ऐसी बात ही। तो भाई ने अपनी एक वीडियो कंप्लीट कर ली है और पावर तो है इस गाड़ी में, अब लोकेशन चेंज करी है, अब यहाँ पे अपनी ओनरशिप होगा वैगनआर का, ठीक है? गाड़ी तो बहुत बढ़िया है यार भाई, चलाने में तो बहुत बढ़िया है यार, चलाने में भाई बेस्ट है, मतलब प्रॉपर फीलिंग आ रही थी कि मैं किसी 4x4 में बैठा हूँ। बहुत ऊंची बना दी भाई ये प्राइस को देखते हुए, पर पावर भी है, बहुत पावर है। और इसमें वो जो बबलिंग सी होती थी हाई स्पीड में, वो कम हो गई? बिल्कुल खत्म खत्म। हाँ। मैंने यार भाई को सीधा बोल दिया कि भाई मुझे तो मन नहीं है चलाने का, आप भी चलाओ, हम सीधा फार्म पे जा रहे हैं। और भाई जो मजा आया ना अभी ये खेत के बीच में चलाने में, ओए, मतलब कोई ऐसा ध्यान व्यान नहीं रखनी पड़ी मुझे कि यार चलो गाड़ी वैगनआर टाइप हो कि यार हमें ध्यान रखना पड़ रहा है, ऐसे निकालनी वैसे निकालनी, इसको तो चलाते रहो बस, चलते बनो। क्या रहा है? अच्छा सीट बेल्ट, अरे यार यहाँ पास में ही है ना अपना, थोड़ा तो सीट बेल्ट नहीं पहनी मैंने अभी, लेकिन देख लो क्या कंफर्ट आ रहा है चलाने में भाई, मतलब स्कॉर्पियन का तो फैन हो गया यार। चलो रुको सीट बेल्ट पहन ही लूँ पहले यार, वरना ये बोलता रहेगा। यार 7-सीटर में ना मैंने सफारी भी चलाई है, सफारी चला के मुझे बहुत मजा आया था, ऐसी बात नहीं, पर जो मजा यार स्कॉर्पियन का आ रहा है ना, मतलब कंफर्ट है भाई इस गाड़ी में, बैठ के ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि यार मैं कोई मतलब इतनी महंगी गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे उसको ऐसे बचा के चलानी है, वैसे
इतनी ऊंची सी, अच्छा ऊंची वाला कंफर्ट तो ऊंचा वाला मतलब मजा तो आना ही है, ठीक है वो तो है ही, ऊंचे का भी अपना मजा होता है, पर ऊंचे के साथ साथ इतना कंफर्ट और इतनी स्मूथ गाड़ी जो है ना ये, मतलब वारे निहारे भाई, वारे निहारे। इंटरव्यू देखो साथ साथ, और 4x4 का फीचर देखो कैसे इलेक्ट्रॉनिक में दे रखा है, बहुत बढ़िया भाई। भाई को वैगनर चलाते देखना, बड़ा मजा आ रहा है। वीडियो में क्या स्कॉर्पियन चलाते थे, मिहिर गलत सॉरी मास्टरबेटर आया तो वैगनर पकड़ा दी, हम आपकी स्कॉर्पियो चलाएंगे, फील है भाई, मतलब लिटरली। और ऐसे 7-सीटर वो भी इतनी जोरदार गाड़ी होगा ना भाई, ऐसे ऐसे इलाकों में बहुत अच्छा मजा आता है। जैसे देखो खेत वेत है अगल बगल, कभी ऑफ रोड आ जाएगी कभी बेच रोड आ जाएंगे, तो ये गाड़ियाँ बेस्ट है भाई इन चीजों के लिए ना, मतलब बहुत दिन तक देख रहे भाई है। हाँ, और भाई अपने अगले गांव के ही है, खलीलपुर यहीं गुजरो। हाँ, खटाना। अच्छा खटाना, अच्छा अच्छा अपनी अभी भाई हसनपुर पे। अच्छा तो भाई ऐसे मतलब आप बोलो काफी अपने चाहने वाले आते हैं। बहुत फेमस, अपना एरिया फेमस कर दियो भाई। वो तो है भाई, ये फेमस कर इंद्री तो मुझे पता भाई के उससे लगा है चैनल से। वो इंद्री लगा है, इंद्री है। अरे ये दिक्कत है भाई, डेली देखो रोज टैग करे पब्लिक, रोज रोज की हुई है। तो ये देखो भाई, ये कुछ भाई ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, और ये प्रॉपर यहाँ से चालू आता है फार्म, यहाँ पे सिटिंग एरिया वगैरह है, और दिनेश भाई अपने साथ है, तुम लोग जानते होगे भाई को, कैसे हो भाई? बढ़िया। देखो मैं तुम्हें अंदर का दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो कुछ इस तरीके से मतलब हॉल है, ठीक, और बहुत अच्छा बनाया भाई। ये देखो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह आप प्रॉपर देख सकते हो, किचन है यहाँ पे। ये रूम देखो भाई, तुम देख रहे हो कितना सही रूम बना रखा है, मैं इस रूम की बात कर रहा था तुमसे। ये देखो JBL के स्पीकर भाई ने कैसे लगा रखे, बेस ट्यूब बेसिकली है, और ये भाई ने एज अ मतलब एडिटिंग के लिए एक अपना टेबल बना रखा है, और क्या सही है ये मॉनिटर, कितना सही है कर्व वाला। हाँ, बेड वगैरह देखो, मतलब लग ही नहीं रहा कि यार मैं किसी गांव के अंदर आ रखा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई लग्जरी सा होटल है, ठीक है। देखो बेस ट्यूब, फैमिली के साथ फोटो, इंद्री चैनल का भाई का सिल्वर प्ले बटन है ये, आकाश पवार SO रन, और क्या बात है, पापा का नाम है रणबीर सिंह। हाँ सही है यार, पहला बार ये आकाश की पहला। हाँ, बहुत बढ़िया बना रखा है भाई, मतलब क्या सही है। और वॉशरूम भी देखो, ये बाथरूम यही, मैंने सुना आकाश भाई की शादी वगैरह हो रही है। हाँ, तो फिर तो यार यहाँ पे बराती आराम से सो सकते हैं। नहीं नहीं, अब सगाई हुई थी ना उसकी। अच्छा, जागरण करा था भाई दिनी। अच्छा ऐसे, अच्छा ये भाई इनते पहले मंगा दिया ये पेंट पेंट कंप्लीट करने थे। बहुत बढ़िया लग रहा है ये रूम तो यार, यू जरूर बनवाए हो। हाँ, ये तो जरूरी था सीलिंग वाला। हाँ, इससे तो अच्छा लुक ही आता है। और ये बॉक्स ऐसे बांधते तो हम दम मचाते थे इस कमरे में। अच्छा, ये सारे वर्किंग है, सारे ये चलते हैं ये चारों? अच्छा चलते हैं, आवाज इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें और इसमें दोनों में। अच्छा देख लो भाई, दिनेश भाई साफ साफ बता रहे हैं। अच्छा अच्छा पॉइंट है ओ तेरी, ये देख लो इन्फिनिटी के ज्यादा खतरनाक है भाई का कहना है, ठीक है अपने आप तुम देख लो। अरे पीछे से लाइट जलती है और ले, अरे वाह, ये तो बाथरूम में महिंद्रा वाले ना, महिंद्रा गाड़ी उनके पास, दुबई गए थे साथ में, जब डिलीवरी कर रहे मुझे दुबई का तो याद आ रहा है, दिनेश भाई साथ में रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बैठक है। दिनेश भाई के द्वारा तुम्हें दिया गया होम टू रहे, ठीक है। पापा वाले यार फास्ट टैग में ना बैलेंस खत्म हो गया, तो ये ऑफिस होगा टोल पेवर में, यहाँ पे ATM करने आया हूँ मैं। तो ये है भाई, कैश मिल गया, ठीक है, मेन टोल है ये, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये ऑफिस है, ठीक, वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, पैसे देते हैं और निकलेंगे। ओ भाई देख लो भाई, ये अपनी एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे इतना जाम लगा पड़ा नहीं, फिर भी चलो एक चौराहा टाइप हो गया, यहाँ से अपने को लेफ्ट लेके निकलना पड़ेगा, वो फिर भी ठीक है। पीछे की ओर इतनी लंबी लाइन थी ना भाई, मतलब एक्सप्रेस वे तो बहुत सारे ना बैंगलोर बन रखे हैं, बैंगर ठोलों की वजह से भाई मतलब इतना ज़्यादा जाम बढ़ जाता है ना, शादियाँ होती है, गेस्ट आते हैं, अब ये रोड एक्सप्रेस वे बना तो है नहीं अच्छे से, पता नहीं क्या सिस्टम हो रखा है यार, करीब आधे घंटे से हमें फंसाऊँ। मुझे कुछ को दिक्कत नहीं है भाई, मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ से भाई, मतलब मैंने तो साइड में लगा ली गाड़ी, तुम देख लो गाड़ी मैंने साइड में खड़ी कर रखी है, और यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा, ये फंसे रहें कोई दिक्कत नहीं है, चलो वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ से, और बाकी जाम थोड़ा बहुत क्लियर हो तब निकल जाएंगे, ठीक है भाई। अराउंड डेढ़ घंटे यार, डेढ़ घंटे बाद जाम क्लियर हुआ वो वाला, और अब अपन फाइनली यार
बस 5 मिनट में तुषार को पिक करने वाले, और पिक क्यों कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता। मतलब बताएंगे दिखते लो दिन एंड हो रहा है, एंड ऑर्डर तो भाई से मिल लेंगे, बस वो वाला है। जितने लोगों ने यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि यार मैंने ना इंस्टाग्राम पे प्रॉपर एक शायरी बना के डाली थी, और वो शायरी कुछ इस तरीके से थी। तू यही है शायद कहीं है, गौर फरमाना, तू यही है शायद कहीं है, और क्या फरमाऊं तेरे बारे में, खैर सही है। ये तुम्हारा भाई ने ऑन द स्पॉट बनाई है एकदम ट्रैफिक में ही, गलत, ठीक है। तो यार कैसी लगी मुझे बता देना कमेंट्स में, और कोई बचौधी मत करना इस बड़ी का, ये तो आपने सीरियस होकर बनाई है एकदम। और लेकिन उसमें फ्लेवर ऑफ कोर्स बटर वाला फ्लेवर डाला है, मतलब बटर डाला है अपन ने, तो फ्लेवर तो आना था ही, ठीक है, बचौधा वाला। तू यही है शायद कहीं है, गौर फरमाना, तू यही है शायद कहीं है, और क्या फरमाए तेरे बारे में, खैर सही है। पहली शायरी है भाई की। अबे ऐसी मैंने लिख लिख के छोड़ दी, मैंने किताबी दान में दे दी, समझ रहे हैं? जितने तेरे वो फेमस कवि शायर हैं, वो इतनी शायरियां किसकी पढ़ रहे हैं? मेरी पढ़ रहे हैं भाई, तू समझा नहीं। तेरी तरह तेरा भाई तिमीर घिमीर घमोरी ये सारे वर्ड ऐड नहीं करता ना, घमोरी मैं नहीं करता। क्रेजी, लेट्स गो भाई, भाई चेक है। तो देखो ये मैं अपने लेके आया हूँ मोमोज, चा भाई, मेरे ऐसा लाइफ स्टाइल तुम लोग मत रखो, ठीक है, मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा। हाँ? मैं हूँ जो खाता हूँ, तुम लोग मत खाओ, कोई मत खाना, रोज कचरा उठा उठा के लेके आता है। अच्छा पापा यहाँ पे नहीं है, मुझे पापा है, माँ पापा को चाबी पकड़ा दियो, ठीक है, यहाँ इधर इस पॉकेट से चाबी निकाल, मेरे चाबी ठीक है, पता नहीं क्या है मुझे लगता है नोड़ी यहाँ पे गंदी हरकत करता है ना। तो चलो यार दिन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ अपना, ठीक है, और अभी क्या है तुषार और मैं जरा राउंड वाउंड मारेंगे अपना, फिर आने का मैं खाना वगैरह खाऊंगा और वीडियो पे खत्म करेंगे अपन, ठीक है। मैंने क्या है तुम्हारा ना दोनों वक्त का तुम्हारा ठेका ले रखा है, ठीक है, दिन का खाना मेरे साथ, रात का खाना भी मेरे ही साथ, ठीक है, तो ये मत भूलना, ये तुम्हारा एक फर्ज है, ठीक। बाकी चलो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो वहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ वीडियो को, और मास्टर बड़े साथ जुड़े रहो यार, बस नोटिफिकेशन दबा लो पहले तो यार, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन नहीं तुम लोग उस तरीके से मतलब नोटिफिकेशन पर क्लिक कर रहे, ठीक है, तो जिसने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया नोटिफिकेशन बेल दबा लो, और जरा मास्टर चैनल बने रहो, ठीक है। बाकी मैंने अभी कुछ दिन पहले डीसी वाली वो थार वाली वीडियो डाली थी, जो मैंने अभी लाइव करी थी, तो मैं जाम में नहीं था, ठीक है, तो जरा उस वीडियो पे अगर तुमने नहीं देखी वीडियो दोबारा देखना, क्योंकि वो वीडियो देखने लायक है, ठीक। चलो एंड करें वीडियो को, बाकी नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, और बने रहो मास्टर बड़े चैनल पे भी यार, मेरी का तो रिस्पॉन्स दिखा रहे हो इस पर भी उस तरीके से, ठीक। चलो एंड करते हैं, तो यार मैं मास्टर बड़े बोलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय।